हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनाडा फॉर स्टडी वन स्टेप हेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों मामला जो हाई कोर्ट में जा चुका, काफ़ी ज़्यादा जो है मामला गर्मा गया है। तो उसी को लेकर दोस्तों मैं आज की जो अपडेट लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। तो जल्दी जल्दी गाइस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएँ, जिससे कि आप लोगों को सारे नोटिफिकेशन जो है मिलते रहें। जैसा कि आज आपको पता, आज दोस्तों 20 तारीख है, कल का दिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाला है। 21 तारीख का उस दिन ही दोस्तों पता चलेगा कि डिसीजन क्या आने वाला है। लेकिन आज की जो अपडेट निकल के क्या आई है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा देना चाहता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको बताया कि कल दोस्तों 19 तारीख थी और कल की दोस्तों जो संशोधित आंसर की आने वाली थी, तो उसको लेकर दोस्तों सचिव ने जो है साफ कर दिया। जब उनसे पूछा गया, जब उनके पास दोस्तों पूछा, उनसे जानकारी ली गई कि कल जो है संशोधित आंसर की क्यों नहीं जारी की गई, तो सचिव ने सीधा सीधा बोल दिया कि जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन है उसको ही हम अवमानना नहीं कर सकते। जब तक हाई कोर्ट ये यथास्थिति को दूर नहीं करते, हटा नहीं देते, तब तक हम जो आगे के प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे। 21 तारीख को चाहे उनका कोई भी डिसीजन आए, अगर वो कहेंगे 30 तारीख तक या 1 तारीख तक या फिर जब तक ये केस चल रहा है या जब तक ये प्रॉब्लम जो चल रही है तब तक ये सॉल्व भी नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोसेस जो है आगे नहीं बढ़ेगा, हाई कोर्ट का आदेश की अवमानना नहीं की जाएगी। तो ऐसा दोस्तों सचिव ने ये बयान दिया है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बयान है इसको लेकर कि उन्होंने अब बताया है कि जो संशोधित आंसर की है तभी जारी होगी और रिजल्ट भी तभी जारी होगा जब हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा। अब दोस्तों निगाहें टिकी हुई हैं कल के डिसीजन पे कि कल दोस्तों हाई कोर्ट का क्या निर्णय आने वाला है इसको लेकर। अब हाई कोर्ट दोस्तों इस कट ऑफ को क्या करेगा, 60 से 65 रखेगा या फिर कम कराएगा या फिर अगर कोई कुछ भी हो सकता है, बिकॉज कोर्ट ने कुछ शर्तें दी हैं कि या तो आप आगे के 60-65 रखना चाहते हैं तो आप आगे के बहस करें, अगर आप 60-65 पर बहस नहीं करना चाहते तो उनका जो आदेश है वो 40-45 के आसपास जा रहे हैं। तो जो भी होगा दोस्तों कल ही पता चलेगा इसको लेकर क्या अपडेट रहेगी कि हाई कोर्ट का डिसीजन किसके मैटर में आने वाला है। कल दोस्तों आपको पता है एजी साहब भी आने वाले हैं, अब कल उनकी तरफ से क्या दलीलें रखी जाएंगी, क्या अपने अपने पक्ष रखे जाएंगे उसको लेकर दोस्तों कल ही पता चल पाएगा। कल की दोस्तों लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को वन बाई वन पल पल की अपडेट मिलेगी और अनाडा फॉर स्टडी चैनल पर एक एक सेकंड की अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो तब तक गाइज आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि कल की कोई अपडेट आप लोगों से मिस ना हो पाए। सुबह से ही दोस्तों पूरा कवरेज बना दिया जाएगा और जो भी अपडेट होगी आप लोगों तक पहुँचा दी जाएगी। तो आज की दोस्तों लेटेस्ट अपडेट यही थी, सचिव ने दोस्तों साफ कर दिया है कि ये जो हाईकोर्ट का निर्णय होगा उसी को अब मानना पड़ेगा, उसको लेकर ही हम आगे का जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएंगे। जब तक हाईकोर्ट इससे यथास्थिति को नहीं हटाते हैं तब तक दोस्तों कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे वो संशोधित आंसर की हो या रिजल्ट हो। सो गाइस ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट जो मैं आप लोगों को लेकर के आया था। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें।